necessary is necessary in our life in order to move us, to empower us, to push us, to exalt us from a lower level of human existence to the higher one. अभी जो हम सबका experience है हमारी जिंदगी को लेके वो lower level का है. इससे हमें क्या ले जाना है? हायर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. लोअर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बच्चे की शादी अच्छी हो गई. हायर लेवल की एक्सपीरियंस हमारे कारण 100 बच्चों की शादी हो गई. और वास्तव में आज 50 लाख रुपया एक एवरेज फैमिली शादी पे खर्च कर रही है, स्पेशली मेरी कम्युनिटी में राजस्थान में या जहां. 50 लाख रुपए में सच में 100 बच्चों की शादी ठीक से हो सकती है. नहीं भी हुई 50 की 100 की, 25 की तो हो ही सकती है. इज दैट ट्रू और नॉट? सामूहिक विवाह सम्मेलन में 50 लाख में तो 25 जोड़ों की शादी हो जाती है. तो ये लोअर लेवल का एग्जिस्टेंस का एक्सपीरियंस है कि मेरे बच्चे की शादी में 50 लाख खर्च हो. एक बात बताइए, आपको क्या चाहिए? वाहवाही चाहिए? 50 लाख रुपए की शादी करके क्या करवाना चाहते हो ताकि गए बोले इन्होंने शादी अच्छी की? अब मुझे बताइए, आपकी वाहवाही ज्यादा होगी जब आप 50 शादियां करवा दोगे तब, या अपने बच्चे की शादी में 50 लाख खर्च कर दोगे तब? इससे आप पूरा विजनरी बने ना बने, लेकिन ये विजनरी थॉट है. और जैसे ही आपने एक बार वो 50 लाख 50 बच्चों की शादियों में खर्च कर दिया, या 25 की में या 20 की में, समाज कहेगा अरे आप तो वही हो ना जो शादियां करवाते हो, अरे यार हमको भी एक बच्ची की शादी करवानी है. फिर आपको आ जाएगा ये कॉन्फिडेंस, हेलो सुनिए मैंने 50 बच्चों की शादी करवाई है और मेरा प्रण है अगले साल मैं 100 बच्चों की शादी करवाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरी हेल्प करेंगे? एक बच्चे की शादी में इतना पैसा लगेगा, अगले साल क्या हो सकता है? अब वो पहली शादी के लिए 50 लाख कहां से आया? आपने कमा कमा के जोड़ा? कोई नहीं कह रहा कि आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए अपनी नौकरी छोड़नी है, कोई नहीं कह रहा आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए व्यापार छोड़ना है, बल्कि व्यापार बढ़ाने का भी रीजन आ गया आपके पास. अब आपको पता है मुझे 100 करोड़ करके क्या करना है, क्योंकि आपको लोअर लेवल के एक्सपीरियंस से कौन से लेवल का एक्सपीरियंस आ गया? हायर लेवल का. अब आप लोअर पे शिफ्ट नहीं हो सकते सर, होने ही नहीं देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड. माइंड का नियम है कि जब हमें कुछ हायर लेवल की एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वी डू नॉट लाइक द लोअर लेवल्स. और किसी को स्पिरिचुअलिटी का नशा हो जाता है ना, उसको फिर नॉर्मल चीजें. किसी को सच्चाई का नशा हो जाता है तो उसको झूठ बर्दाश्त नहीं होता. किसी को झूठ का नशा हो जाता है तो उसको सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती. जिसको झूठ फरेब से करप्शन से खाने की आदत है, उसको एक सच्चा इंस्पेक्टर मिल गया ऊपर, बोलेगा इसको पहले इनकाउंटर इसे इंस्पेक्टर का करो. करेक्ट? क्योंकि उसको झूठ से खाने की आदत है. तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें विजनरी चाहिए सो दैट वी कैन लीव अ लेगेसी. मुझे बताइए व्हाट इज बेटर, क्लॉक मेकिंग और टाइम टेलिंग? क्लॉक कितने लोग बना सकते हैं, टाइम कितने लोग बता सकते हैं? टाइम कोई भी बता सकता है. 5 साल का बच्चे को भी सिखा सकते हो टाइम कितना हुआ, बेटा ये वाला इधर आया, ये वाला इधर आया, टाइम ये हुआ, 10:05 हुआ. टाइम बताना कोई भी सीख सकता है. घड़ी बनाने वाले, ये एक एग्जांपल है, मेटाफर है ये, घड़ी बनाने वाले कितने हैं? तो नौकरी करने वाले कितने हैं, नौकरी देने वाले कितने हैं, समाज से हेल्प लेने वाले कितने हैं, समाज के लिए कुछ करने वाले कितने हैं, गवर्नमेंट के सामने भीख मांगने वाले कितने हैं और गवर्नमेंट के लिए कुछ करने वाले कितने हैं? बहुत कम. हमारा रियल पोटेंशियल तभी बाहर आएगा जब हम क्लॉक मेकिंग करने के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे. क्लॉक वो हर चीज क्लॉक है आपके लिए जो यूनिक है, जो भीड़ नहीं कर रही है. मेरे साथ बोलिए, भीड़ नहीं बनना है, खास बनना है. तो इसको दूसरे शब्दों में, आम नहीं खास बनो, समथिंग स्पेशल. थॉमस एडिसन वॉज नॉट ए टाइम टेलर, वो क्लॉक मेकर था. उसने क्या बनाया? बल्ब बनाया. कितनी बार फेल होने के बाद बनाया? हजारों बार फेल होने के बाद. और हजारों बार फेल होने के बाद भी क्या गारंटी थी कि ही विल सक्सीड? लेकिन एक चीज की गारंटी थी, पता है क्या, कि 100 तरीके या 1000 बार अगर ये फेल हो जाता और फिर भी बल्ब नहीं बनता, तो भी इसने कुछ तो डॉक्यूमेंट किया होता और इसके बाद कोई और बल्ब बना देता. एम आई राइट और रॉन्ग? तो कई चीजें ऐसी हुई जो कि आदमी के जीवन काल में नहीं हुई, लेकिन उनके मरने के बाद किसी ने कर दी. करेक्ट और नॉट? क्योंकि कई सारे सालों से आदमी सोच रहा होगा उड़ने की, लेकिन कोई नहीं कर पाया, राइट ब्रदर्स ने कर दिया. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू रियली रियली वांट टू डू इट, नो एफर्ट गोज वेस्ट. ये कहते हैं विजन बटरफ्लाई इफेक्ट है. बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा करता है. क्या है ये बटरफ्लाई इफेक्ट? विजन की ताकत को समझनी है तो बटरफ्लाई इफेक्ट को आपको समझना होगा. बटरफ्लाई इफेक्ट कहता है बटरफ्लाई ने पंख फड़फड़ाए, यू कैन इंश्योर कि पूरे ब्रह्मांड में कंपन हो रहा है. वो जो पंख फड़फड़ाई तो यहां की हवा में जो कंपन आया, वो कंपन अब ट्रेवल करता करता किसी दिन क्या बन सकता है? एवलांच बन सकता है. जब एवलांच आता है हिमालय में या किसी भी बर्फीली पहाड़ी में, तो ऊपर से
छोटी सी बर्फ का टुकड़ा गिरता है और फिर क्या होता है, वो धीरे 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 बढ़ता जाता है एंड इट बिकम्स अ वेरी ह्यूज एवलांच जो कि बड़े बड़े शहरों को ध्वस्त कर दे। बोलते हैं यही विजन है। विजन छोटी थॉट है, थॉट छोटी नहीं है, थॉट तो बहुत बड़ी है लेकिन शुरुआत छोटी है। मेरे पास थॉट आया मुझे 1000 लोगों को फीड करना है, मैं कहता हूँ इंडिया में कोई भूखा ना सोए, और ये विजन सच में अगर मेरा ट्रू है, सच है, और मैं कहता हूँ यार मुझे इसलिए कमाना है ताकि मैं लोगों को फीड कर सकूँ, मुझे इसलिए कमाना है ताकि मैं लोगों को फीड कर सकूँ, मैं आपको बोलता हूँ अगर आपने 1000 लोगों को रोज फीड किया तो क्या आपके बच्चे भूखे सोएंगे? नहीं सोएंगे ना। 1000 लोगों को फीड करने का आदमी जो जुगाड़ कर पा रहा है वो अपने घर वालों को खुश रखने का जुगाड़ तो कर ही लेगा, करेक्ट और नॉट? और फिर आपको एक नशा हो जाता है। मुझे मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है लेकिन आपका पैशन है कि यार मुझे रियल में भूख मिटानी है यार, तो अब आप जम के बिजनेस में काम कीजिए, दिन रात काम कीजिए और बिजनेस में 100 करोड़ को 500 करोड़ कर दीजिए ताकि आप क्या करें वो 500 करोड़ में जो 50 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना उसको लोगों की भूख मिटाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दें, उसमें एक सीईओ रख दें, उसमें एक एंटरप्रेन्योर रख दें, टीम रख दें, वो टीम का काम रहे रोज फूड बांटो। भैया कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कहते हैं पैसा इसलिए इंसान नहीं कमाता क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा कमाने का बड़ा रीजन है ही नहीं, क्योंकि उसके रीजन है मेरा परिवार खुश रहे। परिवार आपका 50,000 1,00,000 2,00,000 में खुश है? किसका परिवार रो रहा है? जितना खुश आपका परिवार है उतना ही खुश अंबानी का परिवार है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है अंबानी के परिवार में। आपके लिए उसका घर लग्जरी है, उसके लिए उसका घर नॉर्मल है। आज से 15 साल पहले जब मैं इस तरह की होटल में पहली बार आया मेरे लिए ये खास थी, अब ये मेरे लिए रोज की बात है। जब मेरे कारण हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे होंगे तो मेरे सपने के कौन रोक सकता है यार? कोई नहीं रोक सकता। जब मेरे कारण लाखों लोगों के पास करोड़ों रुपए आएगा तो मेरे का पास 1,000 करोड़ क्यों नहीं आएगा? बाबा रामदेव कौन है? योगा, हजारों लोगों ने योगा सीखा, लाखों लोग योगा करवाते थे, बाबा एंगर जैसे लोग भी हुए जिन्होंने योगा को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया, लेकिन उसको घर घर किसने पहुंचाया और उसके बेस पे 50,000 करोड़ का साम्राज्य किसने बनाया? तो बाबा रामदेव सिखाते हैं विजन से 50,000 करोड़ आसान है कमाना। अच्छा, उसके बाद वो अपने शरीर पे कितना किलो सोना पहनते हैं? ओके, कौन से ब्रांड के जूते पहनते हैं? लकड़ी की खड़ाऊ। तो ये इंसान कितनी बजे उठ जाता है आपको पता है? 3 बजे ही वेक्स अप, चाहे रात को 12 बजे सोए, 3 बजे ही वेक्स अप। इनका फिक्स है 3 या 3:30 उठेंगे, 4 बजे तो अपने ठंड हो, सर्दी हो, बरसात हो, -3 डिग्री हो, इसी तरह के कपड़ों में रहेंगे, कोई शॉल नहीं, कोई स्वेटर नहीं, -3 डिग्री, -4 डिग्री, सुबह 4 बजे उठ के बाबा जी दौड़ने चलते हैं, और 4 बजे उठ के बाबा जी दौड़ते हैं, 5 बजे तक दौड़ के पसीने में लथपथ होके जिस भी दुनिया में, जिस भी नगर में, जिस भी शहर में रहते हैं 5 बजे स्टेज पे होते हैं, और पिछले 40 साल से यही रूटीन है, एक दिन भी छुट्टी के बिना, इतनी लग्जरी आने के बाद भी। एंड ये है एक विजनरी। ओके, सो व्हाट इज बीइंग अ विजनरी? अब हम बात करेंगे कि भाई ये तो समझ में आ गया कि विजनरी कितना कर सकता है, अब हमें समझना है ये विजनरी होता कौन है। सवाल आपको पूछने हैं, मेरा पर्पस क्या है, मेरी वैल्यूज क्या हैं, मेरे लक्ष्य क्या हैं और मेरी रोज की दिनचर्या क्या है। 4 ही चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। पर्पस क्या है, मेरा वैल्यूज क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। ओके, अब हमें लिटरली समझना है कि व्हाट इज बीइंग अ विजनरी, विजनरी होने का मतलब पावर क्या है। अभी तक तो हमने सीखा है सिर्फ कि भाई विजनरी होना चाहिए, विजनरीज की जरूरत है, विजन इज द राइट डायरेक्शन, विजन इज द क्या कहते हैं, इट इज नॉट जस्ट ए थॉट, इट इज अ वेरी बिग थॉट। और हमने ये भी देखा कि विजन क्यों नहीं क्रिएट करते लोग, ये सारी चीजें हमने देखी और यहां से आपकी जर्नी शुरू होगी।